भाई ऐसा लग रहा है कि ठीक है। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज सुबह के 10 बज चुके हैं फाइनली भाई, हम आ गए लोडिंग के लिए। अपनी गाड़ी कंफर्म हो चुकी है पठानकोट के लिए, वो भी भाई लोहे के एंगल लेके जाएंगे, मतलब टावर का सामान लेके जाएंगे। तो गाइज अपनी गाड़ी यहाँ पे आ गई फैक्ट्री में, अपने साथ हिमाचल वाले भाई हैं और अपनी गाड़ी यहाँ पे भाई वॉश नहीं की, बिल्कुल खुद जानबूझ के नहीं, क्योंकि गाइज गाड़ी गंदी थोड़ी रखनी चाहिए भाई, लाइफ में फर्स्ट टाइम रख रहा हूँ लेकिन फिर भी रखनी चाहिए। तो गाइज सुबह सुबह उठा नहा धोया फैक्ट्री के अंदर ही, क्योंकि यहाँ फैक्ट्री वाले ने भाई बहुत अच्छे, उन्होंने बोला भाई नहा धो लो, नहा धो के फ्रेश होके। तो डिमांड आ रही थी टी शर्ट नहीं चेंज करते, भाई टी शर्ट भी चेंज कर ली। चलो कोई बात नहीं भाई, इंसान की पहचान कपड़ों से नहीं होती भाई, सीधी बात बोलो इंसान का करेक्टर और दिल और नीयत साफ होनी चाहिए। तो जिन भाइयों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर दो राजा रमीज व्लॉग सब्सक्राइब गाइज। इसके बाद हम जाएंगे सीधा पठानकोट, पठानकोट से देखेंगे नेक्स्ट ट्रिप कहाँ का है। तो गाइज चलो देखते हैं किस टाइम लोडिंग हो रही है किस टाइम। इससे पहले अपने भाई का नंबर है, उसके बाद हमारा भाई ने बत्ते वगैरह खोल दिया, हम भी बत्ते वगैरह खोलेंगे क्योंकि माल शायद करें से लोड होगा। और दिखाते हैं छोटे सुबह सुबह क्या कर रहे हैं। हाँ जी, ये क्या सुबह सुबह खाना क्या कर रहे हो क्या भाई? ये बंदा ना कमेंट करके इसको बोलो यार, फोन के साथ बहुत लगा रहता है भाई, अपने व्लॉग बार बार देखता है, बार बार देखता है, बार बार देखता है। और गाइज शायद ये वाली सीरीज ना छोटू के साथ आखिरी सीरीज होने वाली है, क्योंकि भाई ये भी थोड़ा ना अपसेट हो रहा है बार बार, क्योंकि भाई बार बार अगर कोई टारगेट करेगा ना बच्चे के लिए तो मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। देखो इसका खर्चा वर्चा मैं सब कर लूँगा, ये घर पर रहेगा मैं सब कर लूँगा, लेकिन होता है ना इंसान को खुद की गरीबी दिख गई और बच्चे की गरीबी नहीं दिखी, मतलब खुद की गरीबी इंसान को दिख जाती है कि मैंने लाइफ में कितना स्ट्रगल किया, ये किया वो किया। एक बार इंसान सोचे यार शायद हमारी, हम तो गरीब थे, ये बच्चा भी गरीब होगा घर से, इसको कोई मजबूरी होगी, घर में यही बड़ा होगा, इसका पापा है या नहीं है वो भी कन्फर्म होना चाहिए। मैं नहीं इसका दिल दुखाना चाहता, बाद में ब्लॉग देखेगा बोलेगा राजा भाई ने क्यों बोल दिया सब। तो गाइस दिन के 12 बज चुके हैं भाई, और यहाँ देख रहे हो बार बार ये बंदा ना फ़ोन छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। आपने फ़ोन छोड़ना या नहीं, ये नीचे करो। मस्त है क्या? मस्त है क्या? मस्त है क्या? मस्त है। तो भाई वहाँ देख रहे हो अपने HP वाले भाइयों की गाड़ी ना लोड हो रही है, इसके बाद हमारा नंबर है गाइज। चलो जल्दी जल्दी गाड़ी लोड हो जाए भाई, फिर यहाँ से अपनी फ्लाइट रेडी सीधी पठानकोट के लिए। बहुत दिनों के बाद भाई ब्लॉग शूट कर रहे हैं, तो राजा भाई सोए में, तो बात ये मेरा आखिरी ब्लॉग है, क्योंकि मेरे बारे में लोग यह उल्टा सीधा बोलते हैं, मतलब तुम गाड़ी में क्यों आया ये वो बंद, इसलिए मैं चला जाऊंगा भाई इसी चक्कर में, घर जाके देखेंगे कोई काम ही करेंगे। पहले हम मजदूरी करते थे, आप भी मजदूरी करके अपना पेट पालेंगे, नहीं तो लड़का कैसे खर्चा चलेगा। तो भाई कोई किसी का गरीबी मजबूरी समझ, तो इसलिए हम इधर हैं अभी कोलकाता में, तो इधर से हो रही है हमारी गाड़ी लोड, अभी मैं खाली अभी दूसरी गाड़ी हो रही है हिमाचल वाली, तो उसके बाद है हमारी भाई ये देखो सोए में उठ गए। हाँ जी हाँ जी उठ गए भाई, और कहाँ थे आप, कहाँ थे, व्लॉग बना रहे हो? हाँ। ये तो आपका शायद आखिरी और लास्ट व्लॉग हो। मेरा आखिरी है लास्ट। चल कोई बात नहीं बेटा, तू चला भी जाएगा ना मैं तेरे साथ हूँ हमेशा, तुझे हमेशा सपोर्ट करूँगा। तो गाइस यहाँ देख रहे हो इमरान भाई के अकाउंट पे कर रही हूँ, इमरान भाई बोल रहे राजा भाई ये रील ये वाले डाल देते हैं, तो चलो इमरान भाई के अकाउंट पे डालते हैं और आपका चाहता है इमरान भाई को कॉल कर लें। तो देखते हैं भाई कितना टाइम लग रहा है कितना नहीं, क्योंकि गाड़ी अनलोडिंग अपने हमारी गाड़ी लोडिंग होगी इसके बाद, क्योंकि छोटू ने आपने दिखाई गाड़ी दिखाई भाई ने गाड़ी भी दिखा दी, उसके बाद अपने गाड़ी में भी वही मॉल। गाइस फाइनली भाई शाम के 5 बज चुके हैं गाइस, और अपना टाइम आ गया लोडिंग करने का, उससे पहले गाड़ी लगाते हैं सीधे कांटे पे भाई, और गाड़ी को ना वेट वगैरह कर लेते हैं खाली गाड़ी का, क्योंकि गाइस हमारी गाड़ी ना 18 टन की गारंटी पे लगती है, तो गाड़ी लगाते हैं सीधे कांटे पे। तो गाड़ी लगाते हैं कांटे पे, छोटू गया हुआ बर्तन धोने गाइस, और इमरान भाई कांटे के पास ही खड़े हैं, तो चलो गाड़ी पहले लगाते हैं गाइस, उसके बाद भाई देखते हैं गाड़ी का खाली वजन कितना आ रहा है, क्योंकि गाड़ी में तेल वगैरह नहीं है, और हमारी हिमाचल की गाड़ी ना वो लोड हो चुकी है। चलो भाई यहाँ से लगा, तो लगा ली अपनी गाड़ी यहाँ पे कांटे पे, देख रहे हो भाई खाली गाड़ी का कांटा रहा यहाँ पे, ये देख रहे हो ये पुराना कांटा है क्या मतलब। तो इमरान भाई की पर्ची लेने और दूसरी गाड़ी ना वहाँ का लोड करके खड़ी है। तो गाइस चलो जल्दी से जल्दी पहले गाड़ी की लोडिंग हो जाए कम्प्लीट। तो गाइस देख रहे हो भाई अपनी गाड़ी लग चुकी है लोडिंग पे, और छोटू को बंदे ने दे दी क्या साइकिल गिफ्ट, कर दी साइकिल गिफ्ट, लेकिन हम लेके नहीं जाएंगे क्योंकि भाई ये ना मतलब दूर पड़ता है भाई, बोल रहे कि ले जाओ इसको साइकिल मिली गिफ्ट। यहाँ देख रहे हो
चला सकता है इमरान, ऊपर रख जरा भाई। देख गाड़ी अपनी लग चुकी है गाइस, और ये वाला रहा सामान जो हम लेके जाएंगे भाई। देख रहे हो हाइड्रा वाले भाई हैं इधर काम कर रहे हैं, ये इधर से सारा सामान लेके जाएंगे हम पठानकोट में। भाई देख रहे हो कहाँ से कहाँ चीज़ सप्लाई हो रही है, और ये वाली चीज़ ना पठानकोट में जाके ना वहाँ पुल वगैरह में काम आएगी, क्योंकि ये पुल का सामान सारा है। और अंदर नहीं दिखाएंगे गैस, क्योंकि आपको पता भी है ना फैक्ट्री के भी रूल होते हैं कि यहाँ वीडियो वगैरह शूट नहीं कर सकते आप। भाई अपनी लोडिंग चल रही है भाई, अभी भी लोडिंग स्टार्ट हो चुकी है, दिखा देते भाई कैसे लोडिंग हो रही है। और वहाँ देख रहे हो छोटू आज फोन में पता नहीं किससे गप्पे मार रहा है भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान है भाई। मैंने भी क्लियर बोल दिया भाई आप घर चले जाओ तो अच्छा रहेगा, बोल रहा राजा भाई अगर आपसे चला भी जाऊँगा तो मैं मजदूरी करूँगा, दिन को किसी के घर काम ही करना पड़ेगा। भाई मैं क्या ही करूँ यार, मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ कसम से, क्योंकि यार मैं इसको साथ रखता, लेकिन ऐसा सीन हो गया ना भाई, क्योंकि काफ़ी ना मैं, आप खुद ही जानते हो, काफ़ी जो भाई हैं वो खुद ही जानते हैं कि क्यों मैं इसको घर भेज रहा हूँ, क्योंकि भाई मुझे बातें नहीं सुनने हो रही हैं। जो बंदे बोल रहे हैं तो बोलते रहें, आधे बंदे बोल रहे हैं कि राजा भाई जो बोलते हैं उनको बोलने दो, बाकी क्या ही कर सकते हैं। क्योंकि भाई किसी ने स्टेटस डाला था व्यूज़ के लिए किसी की लाइफ स्पाइल मत करो, जो बंदा ऑलरेडी किसी के घर काम कर रहा था बेचारा, उसको मैं लेके अपने साथ आ गया, अपने साथ एक बच्चे की तरह रखा, फिर भी उस बंदे ने ऐसा बोला। तो चलो कोई बात नहीं भाई, मैं किससे कोई कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहता, ना मुझे चाहिए भाई। देख रहे हो और अपना माल वहाँ रेडी हो रहा है, वहाँ से लेके ना यहाँ लोड कर रहे हैं सीधा गाड़ी में। देख रहे हो भाई आराम आराम से, क्योंकि कुछ टूट ना जाए, कुछ ऐसी चीज़ मतलब जिससे कोई दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि भाई लोहा है ना, लोहे को ये दिक्कत वगैरह हो जाए। कोई बात नहीं, आराम से करना ताकि कोई नुकसान ना हो जाए, ठीक है। हाँ भैया बॉडी स्केच से दूर रखना, ऐसे ना हो जाए, ठीक है, तो ये सब एक एकदम अच्छा है। हाँ बस ठीक है, सब एक एक क्या। तो गाइस राड वगैरह डल चुकी है भाई, जो गाड़ी में ना ज़्यादा भारी भारी माल था ना वो भाई ने नीचे फर्श पे बसा दिया। आपको दिखा देते हैं गाइस, ये वाली चीज़ चेक कर रहे हो भाई, मतलब राड एक नंबर, ये वाली राड भाई यहाँ देख रहे हो, इससे ना ब्रिज वगैरह बनते हैं, देख रहे हो ये वाली राड आराम से बिछा दिया भाई। ऐसा कोई माल नहीं है जिससे मतलब कोई दिक्कत हो, या मतलब बाड़ी खुल जाए या कुछ भी हो, मतलब आराम आराम प्यार प्यार से जाएंगे भाई, कोई टेंशन नहीं है। और वहाँ देख रहे हो एक छेद भी हो चुका भाई, तो आप गाड़ी यहाँ से पीछे हाइड्रा चला के गाड़ी भी स्टार्ट करेंगे, हम पीछे लेके जाएंगे वहाँ पर, वहाँ एक प्लाट है वहाँ से लोड होगा, ठीक है। तो चलो पहले लोडिंग हो जाए कम्प्लीट भाई, और आपने क्या कर रहे थे आप, कैसे जा। तो छोटू आज पता नहीं आपका लास्ट दिन, इस चक्कर लास्ट होगा, जाना है क्यों, गाड़ी मेरी मैं क्यों जाऊंगा। नहीं भाई यार कुछ नहीं होता, तेरा गाइस आ चुके हैं भाई दूसरी जगह जहाँ गाड़ी लोड करनी थी, यहाँ देख रहे हो भाई की गाड़ी लोड हो गई। और गाइस यहाँ ना प्रॉपर पूरा लोहा, मतलब जो ट्रेन की पटरी वगैरह कोई भी मतलब ब्रिज वगैरह बनेगा ना वो यहीं से जाता है भाई, देख रहे हो बहुत सारा। आपको कितना टाइम हो गया इधर काम करते हुए, आपको कितना टाइम हो गया काम करते हुए, मतलब हाँ दिन का लोग। आप नेपाल से हो ना, नेपाल से, नेपाल से कितना टाइम हो गया, कितने साल हो गए यहाँ पे, हो गया 10-12 साल। ओके भाई देख रहे हो नेपाल से भाई है, वो 10-12 साल हो गए यहाँ पे। तो गाड़ी थोड़ी आगे करवा लेते हैं भाई, हाफ बॉडी गाड़ी में ये मज़ा होता है, आराम से गाड़ी, कोई टेंशन नहीं है, लार पास सीखने का कोई टेंशन कुछ नहीं है, आने दो भाई। अभी गाड़ी की एक लाइट भी उड़ चुकी है भाई, ये भी नया पंगा। और गाइस व्हील कप देख रहे हो भाई, फ्रंट वाला ना टूट गया था व्हील कप इस बार, क्योंकि पुलिस वाले ने हमें 2000 का चलान किया, तो गाड़ी थोड़ी साइड पे दबा के लगवाई उन्होंने, तो टूट गया। और ये वाला ना बोल्ट भी ढीला हो चुका था, अभी भी थोड़ा टेढ़ा है, अभी देख रहे हो टेढ़ा, इमरान ने फिर वो ना व्हील कप उतार के फेंक दिया, क्योंकि टूटा हुआ व्हील कप बोलते हैं ना गाड़ी के साथ नहीं रखना। अब सरांद में जाएंगे और अपनी गाड़ी की थोड़ी थोड़ी मॉडिफिकेशन करेंगे, क्योंकि गाइस ये वाली चीज़ सारी उतर चुकी है, ये दोबारा लगवाएंगे, ऊपर से सारी सफाई बिल्कुल करवाएंगे गाड़ी में, और ये वाली चीज़ें भी उतार के रख देंगे, ये वाली ठीक है। देख रहे हो और यहाँ देख रहे हो ये छोटू ने प्लेट इन्हें तोड़ दी, नहीं वाली यहाँ, नहीं वाली लगाएंगे, फ्रेम मंगवा के नहीं वाली। बाकी चलो देखते हैं क्या सीन रहता है, जो गाड़ी का बाकी काम बचेगा वो हम सीज़न के बाद ही करवाएंगे पूरा ऑल ओवर, क्योंकि भाई मैंने गाड़ी का ना पूरी लुक ही चेंज करनी है भाई, गाड़ी को ऐसा बनाना है ना कि जेंड गेम में ना अपनी गाड़ी एक नंबर होनी चाहिए भाई। ये पहली फैक्ट्री है जिन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला और बोला आप वीडियो आराम से शूट करो, कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो भाई ऐसा लग रहा है कि 2 चक्कर ऐसे पड़े ना तो गाड़ी आराम से लोड हो जाएगी, बस हल्का माल ही लग रहा है, मतलब ये वाला जो ऊपर डाल रहे ना ये वाला हल्का ही लग रहा है, और दूसरे वाला ना वो बड़ा यार भारी है जो नीचे भाई ने रखा। आराम से भाई, भाई को मैंने हाइड्रा वाले को बुला के भाई आराम से के माल खिसक ना जाए, क्योंकि भाई खतरा भी रहता है ना अगर खिसक जाए ना माल, मतलब थोड़ा स्किट हो जाए तो कैबिन को नुकसान भी कर सकता है, और वैसे भी आपको पता है ना पहले भी मेरी कैबिन का कितना नुकसान हुआ है। तो गाइस यहाँ देख रहे हो भाई रिस्क वाला लोड, भाई ये जो भाई है ना ये वाले भाई बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं, देख रहे हो
हाइड्रा अंदर से लेके जा रहे हैं। और गाइस यहाँ चेक कर रहे हो, हर मजदूर अपना अपना काम कर रहे हैं। यहाँ देख रहे हो सारे भाई अपना अपना काम कर रहे हैं। कोई वेल्डर है, कोई कटिंग वाला है, कोई क्या है, कोई क्या है। यहाँ देख रहे हो सारे भाई काम कर रहे हैं भाई। और ये वाला ना मोटे वाला लोहा है, मतलब जो पुल का सामान है और जो ब्रिज का सामान है और ट्रेन के वो पटरी का सामान सारा यहीं से जाता है। ठीक ठीक ठीक, समझ गया। आराम आराम से भाई, यहाँ ना मैक्सिमम बिहार है। देख रहे हो भाई सारा रिस्क वाला लोड है। तो देखते हैं गाइस कितना टाइम लग रहा है कितना, क्योंकि हिमाचल वाले भाई ना वो भी बहुत ज़्यादा बीमार है। उन्होंने बोला कि राजा भाई हमारी हेल्प करना, मतलब गाड़ी चलाने में हेल्प थोड़ी कर लेना। मैं और इमरान भाई वैसे भी चलाते हैं, छोटू भी अपना रात को चला ही लेता है। तो चलो, तो गाइस फाइनली भाई शाम हो चुकी है और अभी शाम के बजने वाले 8। तो गाइस फाइनली अपनी गाड़ी लोड हो चुकी है। गाइस अभी हाथ भी नहीं धोए, तो मैंने रस्सा भी नहीं किया क्योंकि एंगल है लोड है और गाइस एंगल इधर उधर भाग जाएंगे और अपना कुछ नुकसान वगैरह हो जाए। उससे पहले भाई चलते हैं सीधा, पहले कांटे पर गाड़ी ना पूरी वेट कर लेते हैं क्योंकि 18 टन की गारंटी में गाड़ी लगी हुई है ना, ये ना हो कि माल ज़्यादा हो जाए और हाइड्रा वाले भाई भी चले जाएँ। उससे पहले भाई चलो चलते हैं वहाँ, गाड़ी का वेट वगैरह करवाते हैं। और अब सो गाइस अपनी भाई रस्सा भी हो चुका है, सारा काम हो चुका है कंप्लीट। अभी रात के बजने वाले हैं 9, यहाँ से निकलने की तैयारी होगी गाइस। और भाई गर्मी से ना हालत इतनी ख़राब है ना भाई, हिमाचल और कश्मीर ना बहुत ठंडे मौसम, कश्मीर में ना बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम रहा और गाइस साउथ में भी बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम है यार, वहाँ ठंडा ही रहता है। तो भाई कलकत्ता में ना हालत ही ख़राब हो गई है। तो गाइस चलो देखते हैं रात की सीरीज कैसी रहती है। और देख रहे हो काफ़ी टाइम बाद रस्सा खींचा और यहाँ देख रहे हो हाथ में छाले ही पड़ गए। तो गाइस रात के 11 बज चुके हैं फाइनली भाई, तो 40 किलोमीटर सफ़र हम करके आगे एक जगह रुके गाइस। और यहाँ रहा भाई HP का बड़े वाला पंप, देख रहे हो वहाँ भी HP वाला ढाबा भी है, इनका सब कुछ है, पार्किंग बहुत बढ़िया है भाई। और यहाँ आके ना ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मतलब थोड़ी रात को ठंडी हवा चल रही है, क्योंकि भाई अभी ऐसा थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है। तो बाइक की गाड़ी ये रही भाई, अपनी बाइक की गाड़ी BS6 गाड़ी है ये भी। और गाइस ये देख रहे हो हिमाचल की गाड़ी है, मतलब हिमाचल की गाड़ी है, आजकल हमारी गाड़ी जैसे बन रही है, लेकिन इस गाड़ी में ना जो टिप्पर शू है ना भाई ने सीधा सीधा रखी हुई है। इस गाड़ी में बैठ के बंदा आराम से आगे देख सकता है और हमारी गाड़ी में नहीं दिख रहा है भाई। और गाड़ी भी अभी वॉश बिल्कुल नहीं करवाई, पहले भी मैंने बोला UP बिहार पहुँचेंगे वहाँ करेंगे, तो अभी पंप वालों की शिफ्ट चेंज हो गई है। और पंप वाले भाई बोल रहे जो सेकंड शिफ्ट वाले आएंगे वो वाले डालेंगे आपकी गाड़ी में तेल वगैरह। और गाइस अपने पास कैश भी खत्म हो गई है भाई, मतलब अकाउंट में है लेकिन पास से कैश खत्म हो गई है। सोच रहे हैं 15,000 का यहाँ डीजल डालेंगे, उसके बाद जाके ना सीधा UP में डालेंगे, क्योंकि UP में ना 90 रुपीज़ और यहाँ 93 है भाई, देख लो 3 रुपये का फ़र्क है। 3 रुपये हमारे लिए भी बहुत बड़े हैं। उनकी हालत है भाई आज ख़राब, भाई को बुखार है। तो यहाँ रहे अपने भाई, हिमाचल से हो ना आप, इनके साथ भाई अपना सफ़र होने वाला है आज, भाई अपने ठीक नहीं है। तो चलो कोई नहीं, आराम आराम से चलेंगे, जहाँ रुकना हुआ गाड़ी चलानी हुई इमरान भाई भी हैं चला लेते हैं, इनके साथ भी बंदा वो चला लेता है ना भाई, वो नहीं चला सकता कोई बात नहीं, टेंशन मत लो हम करेंगे। ये गाइस गुड मॉर्निंग, तो सुबह के बज चुके हैं 4 और गाइस देख रहे हैं दोनों बंदे सो रहे हैं यहाँ पे और मैं कंटिन्यू चल रहा हूँ। इमरान भाई गाड़ी चला रहे थे, इमरान भाई ने ना रात के 2:30 बजे मुझे गाड़ी दे दी थी और बोला राजा भाई मुझे नींद आई आप गाड़ी चलाओ। और रात को 11 बजे मैंने इमरान भाई को दे दी थी। इमरान भाई रात के 11 बजे से लेकर ना सुबह के 3:30 बजे तक कंटिन्यू चलते रहे और गाइस कंटिन्यू चल रहा हूँ भाई। अब सुबह का टाइम हो गया, नींद वगैरह तो नहीं आ रही है गाइस क्योंकि मैंने नींद पूरी कर ली। और भाई मेरी नींद ना सिर्फ 1 घंटे में ही पूरी हो जाती है भाई, देख रहे हो। और गाइस ये वाला हाईवे चेक कर रहे हो भाई, मतलब बहुत ही प्यारी रोड लगी, बहुत ही प्यारी। और गाइस एक चीज़ मैंने नोटिस किया भाई, अपने साउथ लाइन से ना बेस्ट ये वाली लाइन है क्योंकि भाई यहाँ ना खर्चा बहुत कम आता है भाई, वहाँ पुलिस का बहुत ज़्यादा खर्चा और ऊपर से टोल का खर्चा। अब यहाँ देख रहे हो अब यहाँ भी ना 1 नंबर रोडें सारी बन गई है। हिमाचल वाले भाई आगे आगे चल रहे हैं क्योंकि भाई उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उनको आगे आगे रखा हुआ है, वो उनकी सेहत ठीक नहीं है। उन्होंने बोला कि राजा भाई मेरा ड्राइवर जो है वो आ जाएगा बनारस में, उनके साथ बंदा है लेकिन वो बंदा गाड़ी नहीं चला सकता। तो चलो बनारस में जाके हम भी रुकेंगे, देखो हमारे भाई हैं उधर BDM भाई, उनसे भी मुलाकात हो जाएगी। उनसे बात हुई थी दिन को, उन्होंने बोला राजा भाई आओगे और मिल के जाना, तो मिल के जाएंगे भाई। देखो अपना जहाँ भाइयों का प्यार है ना वहाँ उनसे मिल के ज़रूर जाएंगे। और ये वाली रोड ना भाई मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है भाई, बहुत ज़्यादा पसंद है। और अभी हम चल रहे हैं गाइस कंटिन्यू झारखंड में भाई, देख रहे हो झारखंड में चल रहे हैं अभी। तो चलो झारखंड की रोड भी चलो माशाल्लाह मस्त बन गई, 1 नंबर है। अब देखते हैं एप्पल वगैरह लेके, क्या पता हम इसी लाइन में आए, अगर यहाँ नहीं गए तो सोच जाएंगे, सोच से फिर मिर्ची भर के जाएंगे बांग्लादेश बॉर्डर और वहाँ से वापस आएंगे। ऐसे घूम के मतलब अगर चक्कर लगाओगे ना तो अच्छा पैसा बचता है। चलो गाइस चल रहे हैं कंटिन्यू, और कहीं रुकते हैं चाय भाई पीते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद ना कंटिन्यू रखेंगे अपना सफ़र। और जब इमरान भाई उठेंगे फिर इमरान भाई ड्राइव करेंगे, मतलब कंटिन्यू दोनों भाई टर्न बाई टर्न ड्राइव करते हैं, तो टर्न बाई टर्न चलेंगे। अगर भाई का बंदा ना आया तो फिर एक बंदा हमारा वो वाली गाड़ी भी चलाएगा।